स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सभी विषयों में बराबर बराबर। आपके पास पढ़ाई के लिए 2 घंटे हैं तो उन घंटों में हर सब्जेक्ट को समान भाव से पढ़िए, अपने समय को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए। साथियों, आपने देखा होगा टीचर्स माता पिता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें, ये आम तौर पर ये कहा जाता है, और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है जो सरल उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समझता हूं ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोग भी नहीं है। मैं जरा इन चीज को अलग नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए, आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री था फिर प्रधानमंत्री बना तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुतों से सीखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बातें होती है, जिसके निर्णय थोड़े गंभीर होते हैं, मैं मेरे सुबह जो शुरू करता हूँ तो कठिन चीज़ों से शुरू करना पसंद करता हूँ। मुश्किल से मुश्किल चीज़ें मेरे अफसर मेरे सामने लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मेरा एक अलग मूड होता है, मैं चीज़ों को बिल्कुल तेज़ी से समझ लेता हूँ, निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ता हूँ। मैंने अपना एक नियम बनाया है, कोशिश की है। और जो सरल चीज़ें हैं, दिन भर की थकान के बाद रात देर हो जाती है तो चलो भाई अब उनको मैं ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गलती होने का कारण नहीं है, तो उन चीज़ों को मैं फिर देर रात तक खींच लेता हूँ। लेकिन सुबह जब उठता हूँ तो फिर कठिन से ही मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता हूँ। आपको भले कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो, ये कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए, उसे भागिए मत।